एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर एक्सप्लोरिंग वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चरल वंडर्स, द कोणार्क सन टेंपल, एंड देन हेडिंग टू द ब्यूटीफुल बीचेस नियर बाय। स्टे ट्यून्ड फॉर एन अमेजिंग एडवेंचर। कोणार्क, आपको पता है ये कोणार्क सन टेंपल, ऑल्सो नोन एज ब्लैक पगोडा, इसको बनाया गया था 13th century में बाइकिंग नरसिंह देव ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा के द्वारा। इट्स ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड एन आर्किटेक्चरल मार्बल। इसका जो है डेडिकेट किया गया है सन गॉड सूर्य को। इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर को इस तरीके से बनाया गया है जिससे कि पहला सूर्य की रोशनी जो है इसमें आके पड़े। ये ट्रूली एक मास्टरपीस है एंशियंट इंजीनियरिंग की। एक्सपीरियंस एंड टिप्स ये बोलना चाहूँगी कि एक्सप्लोरिंग द टेम्पल फील्स लाइक ए जर्नी बैक इन टाइम। विजिट अर्ली टू अवॉइड क्राउड्स एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ योर सनस्क्रीन। Check out this intricate carvings. The temple is designed as a massive chariot with 24 wheels pulled by 7 horses. Did you know the temple was strategically designed to catch the first rays of the sunrise? The alignment is so precise that the early morning sun used to shine on the main entrance. Walking through the temple feels like stepping back in time and makes you to bring a hat and sunscreen as it get quite sunny here. Also try visit early in the morning to avoid crowds. Did you know Konark Surya Mandir ka nirman 13th shatabdi ke purvi Ganga Vansh ke raja Narasingha Dev Pratham dwara banaya gaya tha. इस मंदिर का निर्माण कार्य लगभग 1243 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसे पूरा करने में लगभग 12 साल लग गए थे। ये मंदिर एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया है जिसमें पत्थर के सुंदर नक्काशीदार पहिए, स्तंभ और दीवारें हैं। ये रथ सूर्य देवता को समर्पित है। मूल रूप से इसमें 24 पहिए थे, प्रत्येक का व्यास लगभग 12 फीट था और इसे 7 घोड़े द्वारा खींचा जा रहा था जो सप्ताह के 7 दिनों में का प्रतीक। सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिला के कोणार्क नामक स्थान पर स्थित है। ये मंदिर पुरी से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व और राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 65 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये मंदिर भारत के पूर्वी तट के पास है और बंगाल की खाड़ी के निकट है जिससे ये प्रमुख शहरों से आसानी से पहुँचा जा सकता है। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में सूर्य देवता को समर्पित सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। सदियों से ये भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रहा है। 1984 में कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है जिससे इसकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वास्तुशिल्पिक महत्व को मान्यता मिली। लोक कथाओं के अनुसार मुख्य वास्तुकार के 12 वर्षीय पुत्र धर्मपद ने निर्माण में एक दोष के कारण राजा के क्रोध से कारीगरों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। कोणार्क सूर्य मंदिर भारतीय सांस्कृतिक विरासत और वास्तुशिल्प कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ESI manages the site undertaking various measures to preserve and protect the remaining structures. Know the interesting facts about the Konark Sun Temple. It is believed that the temple originally had a massive magnet at its peak, and the unique arrangement of the magnets made the main idol of the temple levitate in mid-air. जो देख रहे हैं सामने जो दरवाज़ा है, ये मेन एंट्रेंस है कोणार्क सन टेम्पल का, एंड इसे अभी बंद करवाया गया है पत्थरों से। एंड कहा जाता है कि इसको मे बी 2025 में खोला जा सकता है एंड विजिटर्स को वहाँ एंट्रेंस के लिए, प्रवेश के लिए कहा जा सकता है। ये जो पेड़ देख रहे हैं ये 1000 साल पुराना पेड़ है। कैन यू बिलीव दिस, इतना बड़ा पेड़ है, मीन्स देखते ही लगता है कितना वर्ष पुराना है। बहुत ही बड़ा एंड फैला हुआ है। एंड After exploring the majestic Konark Sun Temple, let's head to the nearby Chandrabhaga Beach for some relaxation and fun. Chandrabhaga Beach is just 3 kilometers from the Sun Temple. It's famous for its serene beauty and the annual Chandrabhaga Mela. The sunset here is absolutely breathtaking. Enjoy a peaceful walk along the shoreline, go for a swim, or even try some local seafood at the beachside snacks. Don't forget to capture some stunning sunset shots for your Instagram. The beach is clean and well-maintained. It's a perfect spot to unwind after a day of exploring historical sites. Remember to carry some water and snacks with you. It was an incredible journey through history and nature, from the awe-inspiring Konark Sun Temple to the relaxing Chandrabhaga Beach. Odisha truly offers a unique experience. If you enjoyed this video, make sure to like, comment and subscribe. Hit the bell icon so you never miss an update. Thanks for watching and I will see you in another adventure.
Have you ever visited the Konark Sun Temple or what's your favorite beach activity? Tell me in my comment section and I will pin the favorite comments. Let me know in the comments what's your favorite part of the video in my vlog, and do let me know and you want this type of videos and what kind of videos I will make for you. And thank you for watching my video. Tata, bye bye. बीच को एंजॉय करने के बाद हमने यहाँ कुछ खीरा खाया एंड ये मज़ेदार टेस्टी बहुत लग रहा था। एंड फिर हमने ये हैट कुछ ख़रीदा बच्ची के लिए। एंड यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल होम डेकोर आइटम्स भी मिल रहे थे। एंड यहाँ पैड भी पीने के लिए, आपको हाइड्रेटेड रखने के लिए ज़रूरी है। एंड ये जैसे कि देख सकते हैं कितना वैराइटीज ऑफ होम डेकोर से लेकर सब कुछ मिल रहा था। मैट्स हैं यहाँ, वैराइटीज ऑफ बैग्स हैं, एंड खाने के लिए यहाँ कुछ काजू टाइप सॉल्टी स्नैक्स हैं यहाँ मिल रहा था। एंड ये देखिए कितना खूबसूरत खूबसूरत वो डोर हैंगिंग्स मिल रहा था जो कि सिक्की से बनता है। एंड ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा, पर्सनली मेरा फेवरेट है। एंड यहाँ हम कुछ लिखने का ट्राई कर रहे थे पापू, एंड देखते हैं ये पापू लिखने के बाद समुद्र में ये लहर में भीग जाता है या नहीं, हम ट्राई कर रहे थे। देन वेट, ये पहला वाला तो नहीं हुआ। देन वेट करते हैं सेकेंड में भी नहीं हुआ। अभी थर्ड वाला में ये भीग गया ये। एंड वी एंजॉयड ए लॉट देयर एंड बहुत ही मज़ा आया, सीरियसली अमेजिंग रहा ये दिन। एंड मैं तो आपको बोलूँगी समर्स में ज़्यादा धूप में आप ना जाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ, थोड़ा सा आप धूप के दिन में अवॉइड कीजिए एंड वहाँ एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू।